तो दोस्तों एएनएम अभ्यर्थियों को लेकर आज की बड़ी अपडेट है। क्या नोटिस है, क्या अपडेट आई है, फिलहाल कोर्ट की तरफ से क्या नई नोटिस आ रही है वो आपको बताने वाले हैं। क्या एग्ज़ाम के आधार पर होगा कि काउंसलिंग के आधार पर होगा, सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताने वाले हैं। काफ़ी परेशान थे आप लोग, उससे पहले थोड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है वो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से बता दे रहे, यह भी विदित है कि एएनएम के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु तकनीकी सेवा आयोग बिहार पटना को 10709 पदों का अधियाचना भेजा जा चुका है। नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, काउंसलिंग प्रक्रिया अंतिम चरण पे है। अब बात कर लेते हैं एएनएम अभ्यर्थियों को लेकर आज की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है आप लोगों के लिए, एएनएम अभ्यर्थियों के लिए कहा जा रहा है कि आप लोगों की अब फिलहाल कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आप नियमावली में पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पात्रता नियमों में कोई दोस्तों बदलाव करने की बात नहीं कही गई, कोई बदलाव नहीं होगा। तो 2018 के नियमावली के अनुसार काउंसलिंग ही देखने को मिल पाएगी। तो दोस्तों काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम रिजल्ट के आधार पर, मैट के आधार पर होगा, लेकिन दोस्तों बहुत कम चांस है आप लोग काउंसलिंग के आधार पर ही होगा। ठीक है, काउंसलिंग के आधार पर ही कराया जाएगा, आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ठीक है, एग्ज़ाम रिजल्ट के आधार पर नहीं होगा, लेकिन काफ़ी प्रयास किया गया था, काफ़ी दोस्तों प्रयास किया गया कि एग्ज़ाम रिजल्ट के आधार पर कराया जाए, लेकिन दोस्तों काउंसलिंग के आधार पर होगा। फिलहाल एएनएम अभ्यर्थियों के लिए आगे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी इस चैनल पर अपडेट किया जाए। कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, एग्ज़ाम के आधार पर होना चाहिए कि काउंसलिंग के आधार पर कराया जाना चाहिए।